Assalamualaikum students. Today is lecture 5 from class 10, which is cartilage on page 58. Cartilage का भी जैसे कि हमने पिछले lectures में skeleton के बारे में पढ़ा है. Skeleton basically bones और vertebrae वगैरह का मुश्तमिल होता है. इसी तरह हमारे skeleton के अंदर या animals के skeleton के अंदर bones और cartilage भी present है. Basically skeleton connective tissue का बना होता है और connective tissues के अंदर bone, cartilage, tendons और ligaments, muscles वगैरह सारा कुछ अटैच होता है. सबसे पहले हम cartilage के बारे में पढ़ेंगे. Basically ये type है connective tissues की. हमारी body के अंदर बहुत से tissues present है, उनमें से एक connective tissues है, जैसा कि आप लोगों ने 9th class में पढ़ा था. Connective tissue में अगर हम cartilage की बात करें, अगर आप लोग इसे नॉर्मल लाइफ में देखो, अपनी नोज को हैंड लगा के देखो या ईयर को हैंड लगा के देखो, तो वो कुछ सॉफ्ट बोन आपको फील होगी. बेसिकली वो बोन का नहीं बना हुआ बल्कि वो कार्टिलेज के बने होते हैं. कार्टिलेज की प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज अ डेंस, डेंस मीन थोड़ा सा हैवी, क्लियर ब्लू व्हाइट. अगर हम इसके सेल्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो इसके सेल्स जो है ब्लूइश व्हाइट हमें नजर आएंगे. फ्रेम कनेक्टिव टिश्यूज है. बेसिकली ये हार्ट यानी मजबूती से जुड़े हुए कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लेकिन बोन्स की निस्बत ये लेस हार्ड है. बेसिकली इसकी पूरी डेफिनेशन में ये पूरे पॉइंट्स आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करोगे. डेंस क्लियर ब्लू वाइट फ्रेम कनेक्टिव टिश्यूज लेस देन हार्ड इज कॉल्ड कार्टिलेज. अगर हम इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखें तो सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम की तरफ आए. इस डायग्राम में जो है आप लोगों को बेसिकली मैंने कार्टिलेज का अगर एक सेक्शन कट करके माइक्रोस्कोप में देखिए तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरह से सर्कुलर वे में सेल्स नजर आए. इन सेल्स को कोंड्रोसाइट्स कहते हैं. जितना आप लोग ब्लड के सेल्स को कहते हैं आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इसी तरह कार्टिलेज के सेल्स को हम कहते हैं कोंड्रोसाइट्स. अब ये कोंड्रोसाइट्स अपने इर्द-गिर्द एक स्पेस में एक जेली लाइक मटीरियल में या अपने इर्द-गिर्द एक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लकुना. यानी इन कोंड्रोसाइट्स के गिर्द जो स्पेस है या जो जेली लाइक मटेरियल है उसे हम कहते हैं लकुना. और ये लकुना और कोंड्रोसाइट्स जिस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. यानी कार्टिलेज की जो स्पेस है वो है मैट्रिक्स, लेकिन सेल के इर्द गिर्द की जो स्पेस है वो है लकुना. अब कनेक्टिव टिश्यूज में इन सेल्स के अलावा बहुत से कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं. जहां पर भी कनेक्टिव टिश्यूज की बात आएगी वहां पर आप लोगों ने कोलेजन फाइबर्स का जिक्र करना है. कोलेजन बेसिकली प्रोटीन है जिसकी वजह से उसके अंदर लचक या फिटनेस आती है. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाए, इसके स्ट्रक्चर की तरफ. अगर हम कोंड्रोसाइट का देखें तो कोंड्रोसाइट इज द सेल, कोंड्रोसाइट्स आर द सेल ऑफ कार्टिलेज विच आर प्रेजेंट इन साइड द स्पेस कॉल्ड लकुना. द मैट्रिक्स इज द स्पेस ऑफ द कार्टिलेज. लकुना इज द स्पेस ऑफ द कोंड्रोसाइट. कोंड्रोसाइट आर द सेल ऑफ द कार्टिलेज. मैनी कोलेजन फाइबर्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ कोंड्रोसाइट्स एंड इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज. अब अगर हम देखें तो बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस, तो बोन के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी वहां पर ब्लड सेल्स बनते हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती या ब्लड सेल नहीं होता. अगर आप लोग जनरली अगर आप लोगों को सिंपल एग्जाम्पल इसकी देखें तो अगर आपने कभी लेग पीस का जो है चिकन का जो लेग पीस खाया हो तो उसके ऊपर से एक कवरिंग गुजरती है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर से आपको कोई ब्लड निकलता नजर नहीं आता. बेसिकली वो कार्टिलेज है और उसके अंदर ब्लड सेल्स या ब्लड वेसल्स नहीं होते. अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बताई है, जिनमें से फर्स्ट टाइप को आज एक्सप्लेन करूंगी और बाकी बड़ी नेक्स्ट लेक्चर में. फर्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है हाइलिंग कार्टिलेज. अब हाइलिंग कार्टिलेज अगर जनरली आप देखो तो ये नोज वगैरह हमें पाई जाती है. नोज हमारा जो है फील करने में बोन लाइक लगता है, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं होता. कानों में ये वाली कार्टिलेज पाई जाती है. उसके अलावा लेरिंग्स, हमारे वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया वगैरह, ये उसकी एप्लेंस में बाद में डिस्कस करेंगे.
था टैंके के जो कार्टिलेज क्रैक किया तो होती हुई ब्रोंकाइटिस तक आती है और ब्रोंकियोस का कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसी तरह के ब्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में क्या बना होता है, कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हार्निंग कार्टिलेज। और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि बोन्स कार्टिलेज कैंडिडेट फॉर लिगामेंट्स, बेसिकली ये सब कनेक्टिव टिश्यूज हैं और ये सब जो है वो कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, लेकिन बोन और कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर फ्लेक्सिबल होते हैं और टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप टेंडन और लिगामेंट्स की बात करो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बस अभी आप ये इतना याद रखिए कि टेंडन्स और लिगामेंट्स में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं या कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।